नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों असम T20 क्लब का आज के दिन का पहला मुकाबला जो यहां पे खेला जाएगा टीम CTC वर्सेस टीम TCC के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस मुकाबले में आपके लिए कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए और कौन से प्लेयर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। इसके अलावा दोस्तों किन प्लेयर्स को आप लोग अपनी टीम में एज अ कैप्टन पिक करके चलोगे और किन प्लेयर्स को दोस्तों आप लोग वाइस कैप्टन पिक करके चलोगे, तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों कुछ अर्न करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 8000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अब ऐप स्कोर कार्ड की ओर, जहां पर मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूं। अगर बात की जाए दोस्तों सिटी क्रिकेट क्लब की, पिछला मुकाबला अपना दोस्तों 28 रनों से जीत कर आए हैं। इस मुकाबले में दोस्तों इनकी टीम ने पूरे 20 ओवर खेले थे और पूरे 20 ओवर के अंदर इन्होंने 182 रन बनाए थे और सिर्फ अपने 4 विकेट गिराए थे। जब बारी आती है दोस्तों खुद इनकी इस टारगेट को डिफेंड करने की, तो दोस्तों ये अपोनेंट को ऑल आउट कर देते हैं 154 के स्कोर पे। तो देखा जाए बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रही इनकी टीम की। तो इनकी ओर से दोस्तों अंशुमन कतौनी और यहाँ पे राहुल हजारिका ओपन करने आते हैं। अंशुमन कतौनी दोस्तों 30 गेंदों पर 29 रन बनाते हैं और राहुल हजारिका अपनी टीम के लिए 63 गेंदों पर 107 रनों की शानदार इनिंग खेलते हैं। नंबर 3 पे शिवशंकर रॉय आते हैं जो कि 23 गेंदों पे 39 रन बनाते हैं। रोमारियो शर्मा जो कि इस टीम के कैप्टन है, एक गेंद खेल के अपना बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। परवेज अजीज दोस्तों 3 गेंदों पे 5, रोहन हजारिका दोस्तों बिना खाता खोले नॉट आउट रहते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो यहाँ से दोस्तों अंशुमन कतौनी हो सकते हैं आपके लिए, राहुल हजारिका इंपॉर्टेंट रहेंगे, शिवशंकर रॉय इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से परवेज अजीज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये 4 प्लेयर हैं जो बैट्समैन हैं इनकी ओर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की, तो इन्होंने अपोनेंट को अलाउट किया जहां पर तजिंदर सिंह ने 4 ओवर की गेंदबाजी करके एक विकेट निकाला। ओम प्रकाश मानता जो कि लास्ट के मैचेस में सिर्फ 2-2 ओवर का स्पेल करके आ रहे थे, इस मैच में इन्होंने 3 ओवर की स्पेल की और 3 ओवर के अंदर 3 विकेट इनको मिल गए। अभिजोत सिंह सिद्धू जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे गेंदबाज, इनको भी दोस्तों 4 ओवर के अंदर 4 विकेट मिले। परवेज अजीज ने भी ये विकेट निकाला। शिवशंकर रॉय ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, इनको कोई सफलता नहीं मिली। और हिरोक ज्योति चौधरी ने भी 2 ओवर के अंदर ये विकेट निकाला। तो देखा जाए दोस्तों इन्होंने 20 ओवर के स्पेल के लिए टोटल अपने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और इनके 6 गेंदबाजों में इनके 3 गेंदबाजों ने 4-4 ओवर की स्पेल की है, बाकी के 2 गेंदबाजों ने 2-2 और 1 गेंदबाज ने 3 ओवर की स्पेल की है और 1 ओवर इनका बचा भी था। मुझे लगता था कि इसमें ओम प्रकाश महंता ही यहाँ पे ओवर कराने आते। तो जो इनके इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे वो परवेज सिद्धू, अभिजोत सिंह सिद्धू, परवेज अजीज, अभिजोत सिंधु, ओम प्रकाश महंता और यहाँ पे शिवशंकर रॉय हो सकते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम है CTC की, तो इनकी ओर से इनके सभी बॉलर सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी अपोनेंट टीम की। अब मैं बात करूँ अगर टीम TCC की, तो ये भी अपना पिछला मुकाबला दोस्तों ICL से 3 विकेट से जीत कर आए हैं। इस मुकाबले में दोस्तों इनकी टीम ने यहाँ पे, तो ये दोस्तों अपना पिछला मुकाबला BDM से 4 रनों से जीत कर आए। इस मुकाबले में इनकी टीम ने पूरे 20 ओवर खेले, 131 रन बनाए और 9 विकेट अपने गिरा दिए थे। जब बारी है दोस्तों खुद इनकी इस टारगेट को डिफेंड करने की, तो अपोनेंट को इन्होंने 20 ओवर के अंदर 127 रन बनाने दिए और उनके इन्होंने दोस्तों 7 विकेट गिरा दिए। तो इनकी टीम की ओर से दोस्तों रोहित सेन जो कि इस टीम के विकेट कीपर हैं ओपन करने आते हैं दोस्तों मोइना बसफोर के साथ जो कि इस टीम के कैप्टन है। रोहित सेन 3 गेंदे खेल के बिना खाता खोले रहते हैं। मोइना बसफोर भी दोस्तों 44 गेंदों पर सिर्फ 39 रन बनाते हैं। नंबर 3 पे राजा मलिक आते हैं जो कि 27 गेंदों पर 44 रन की इनिंग खेलते हैं। मंसूर अली दोस्तों 17 गेंदों पर 7, अश्विन दास 2 गेंदों पर 1, सेन बनर्जी दोस्तों 14 पे 13, सुजीत नंदी 9 पे 5, उत्तम बसफोर दोस्तों 2 गेंदों पे 1 रन बनाते हैं। इसके अलावा समर्थ विश्वास 2 गेंदे खेल के बिना खाता खोले रहते हैं और शुभम दास भी दोस्तों 2 गेंदे खेल के बिना खाता खोले रहते हैं।
तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे मोइना बसफोर रहेंगे, राजा मलिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, मंसूर अली इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेन बनर्जी को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बैटिंग से। बाकी मैं बात करूँ इनकी गेंदबाजी की, तो टोटल इन्होंने 20 ओवर के स्पेल के लिए अपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, और इनके 7 गेंदबाजों में उत्तम बसफोर ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, समर्थ ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, तो यानी कि 2 बॉलर्स ने 2 ओवर की 4 ओवर की स्पेल की है। इसके अलावा इनके बाकी के 3 बॉलर्स ने 3 ओवर की स्पेल की है और एक बॉलर ने 2 और एक बॉलर ने 1 की स्पेल की। तो देखा जाए बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इनके पास। उत्तम बसफोर ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए, विकेट निकाला। राजा मलिक विकेटलेस रहे, मोइना विकेटलेस रहे, समर्थ विश्वास ने 4 ओवर के अंदर 5 विकेट निकाले और ये डेथ का ओवर लेकर आए थे। इसके अलावा शुभम दास ने 3 ओवर के अंदर 20 रन देके विकेट निकाला। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्कोर कार्ड की ओर, मतलब ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। बात की जाए विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एना सरकार इंपॉर्टेंट रही है। मंसूर अली अपनी टीम के लिए प्ले करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, प्लस ये आपको नंबर 4 या नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक अतोनी दोस्तों अपनी टीम के लिए एज अ बैट्समैन प्ले करते हैं, लास्ट मैच में ओपन करने आए थे। इसके अलावा तमोली की मैं बात करूँ तो ये भी दोस्तों विकेट कीपिंग भी करते हैं, प्लस आपको ये नंबर 3 या 4 या 5 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन लास्ट मैच में इनकी टीम ने इनको बैटिंग नहीं दी थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे इनको भेजा गया था। और आर सेन भी अपनी टीम के लिए लास्ट मैच में ओपन करने आए हैं और ये भी आपको टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन सभी विकेट कीपर्स में से जो सेफ पिक है ना, वो आपके लिए मंसूर अली की रहेगी, क्योंकि इनके बैटिंग के आने के चांसेस रहने वाले हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है इनकी टीम का। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना पाएं तो रोहित सेन और कतोनी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग ओपन करने आते हैं और अगर यहाँ पे ये 20 या 30 रन बना देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी लीड दे सकते हैं। लेकिन इनका दोस्तों एक निगेटिव पॉइंट ये है कि ये दोनों प्लेस विकेट कीपिंग नहीं करते हैं और डोमेस्टिक मैचेस में दोस्तों विकेट कीपर्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे देते हैं रनआउट से या फिर कैचेस से। तो इसी कारण से सेफ जाने के लिए मैंने एम मंसूर अली को अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर रखा है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहो ग्रांड लीग में या 4 मेंबर्स में, तो यहाँ पे कतोनी को पिक कर लेना अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है CTC की टीम, और अगर पहले TCC की टीम बल्लेबाजी करती है तो रोहित सेन को ले लेना, क्योंकि ये दोनों टॉप ऑर्डर पे आएंगे और अगर इनका दिन अच्छा रहा तो 40 या 50 आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन अच्छे हैं दोनों। बैटिंग सेक्शन से मैं दोस्तों यहाँ पे परवेज अजीज को पिक करूंगा, रीजन सिंपल सा है, 4 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं और 4 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, और लास्ट मैच में इन्होंने बल्लेबाजी से भी 8 या 10 रन बनाए थे और गेंदबाजी से भी इन्होंने अपनी टीम के लिए विकेट निकाला था। तो इसी कारण से मैं दोस्तों यहाँ पे विकेट मतलब बैटिंग सेक्शन से परवेज अजीज को एज अ विकेट कीपर पिक करके चलूंगा। इसके अलावा यहाँ पर हम आर हजारिका को पिक करेंगे, जो कि लास्ट मैच में 100 बना के आए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने लास्ट मैच में किया था। इस मैच में भी काफ़ी लोगों के ये कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, आप चाहो तो इनको भी ग्रां लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे मोइना बसफोर को भी करूँगा, जो कि ओपन करने आएंगे, प्लस आप इनसे 2 से 3 ओवर की बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी तक एस घोष ने ज़्यादा कुछ परफॉर्म किया नहीं है तो हम इनको पिक करेंगे नहीं। रोमारियो शर्मा अपनी टीम के कैप्टन है, मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आते हैं तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर हजारिका की मैं बात करूँ तो ये भी दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है, कुछ मैचेस में ओपन करने आए और अभी कुछ मैचेस में काफ़ी ज़्यादा नीचे भेजा जा रहा है इनको। सुजीत नंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ना ही श्री शर्मा इंपॉर्टेंट है, आर तलुकदार भी इंपॉर्टेंट रही हैं, एस बसफोर भी इंपॉर्टेंट रही, और यहाँ से दोस्तों यमनाथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। तो यहाँ से आपके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट मेन बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ से परवेज अजीज रहेंगे, आर हजारिका रहेंगे और यहाँ पे मोइना बसफोर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ से दोस्तों शिव शंकर रॉय आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। रीजन सिंपल सा है, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, नंबर तीन पे आके ए दास इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको मत पिक करना। इसके अलावा तेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चार ओवर की बॉलिंग आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे। आर मलिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चार ओवर की बॉलिंग ये भी करा के देंगे आपको, और प्लस आपको काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी से भी पॉइंट देके जा सकते हैं, इसीलिए मैं दोस्तों इनको पिक करके चलूंगा। बाकी यहाँ पर मैं दोस्तों अपनी टीम में विश्वास को पिक करके रखूंगा, हजार का इंपॉर्टेंट नहीं है। सेन बनर्जी आप चाहो तो ले सकते हो विश्वास की जगह पर, लेकिन दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे फोर ओवर की स्ट्रेक बॉलिंग मत इनसे करना, तीन या दो ओवर की आप कर सकते हो। बाकी भी कश्यप को इतना मौका मिला नहीं है, बी दे को मौका मिला नहीं, तो नीचे के इनके बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको मत पिक करना आप लोग। तो ऑलराउंडर सेक्शन से जो चार मेन इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स थे हमने उनको पिक कर लिया है। बात की जाए दोस्तों बॉलिंग की, तो बॉलिंग में देखिए आपके लिए जो सबसे दो मेन बॉलर रहने वाले हैं वो ए सिंह सिद्धू और यहाँ पे एच ज्योति रहने वाले हैं। अब आपके पास यहाँ पे दोस्तों 8.5 क्रेडिट बचता है, जहाँ पर आप एक गेंदबाज को ले सकते हो जो कि रहेंगे दोस्तों यहाँ पे ओम प्रकाश महांता, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने तीन ओवर की बॉलिंग की है, तीन विकेट निकाले हैं, तो इस मैच में भी इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि दो या तीन ओवर की स्पेल आज भी कराएंगे, और वहाँ पर मुझे लगता है कि आज भी ये विकेट निकाल कर देंगे। बाकी आप एक काम और कर सकते हो कि ऑलराउंडर सेक्शन से किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके आप यहाँ पे विश्वास को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि विश्वास एक अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एस विश्वास को ड्रॉप करके यहाँ पे अपनी टीम में एस दास को लेने वाला हूँ। एस दास की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, बाकी एस विश्वास ने लास्ट मैच में 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप एस दास के साथ जाओगे या फिर एस विश्वास के जाओगे। बाकी पी चौहान भी पहला मैच छोड़ के किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। तो हमारी दोस्तों टीम रेडी हो चुकी है, हमने दोस्तों अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करके रखे हैं टीम CTC के, 4 प्लेयर पिक करके रखे हैं टीम TCC के। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। और बात करूँ अगर मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो मेरे कैप्टन यहाँ पे शिव शंकर रॉय रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पे बस 4 रहेंगे। बाकी अगर और कोई ऑप्शन देखे जाए कैप्टन वाइस कैप्टन के, तो ये जो तीन गेंदबाज आप देख रहे हो ना, इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ये तीनों गेंदबाज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप चाहो तो इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। बाकी मेरी दोस्तों टीम रेडी हो गई है, तो इसको सेव कर देते हो और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। तो दोस्तों सेम टीम के साथ स्मॉल लीग ज्वाइन करेंगे और सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रह लीग ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लें, और जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ भी जाकर दोस्तों आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों हमारी इस टीम से मान लीजिए कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी के समय 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से दोस्तों जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों जहाँ भी आप लोग इन्वेस्ट करते हों ऑलवेज विन करते रहें, हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।